नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमपी किसान पुत्र में। दोस्तों, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी पिछली साल रही थी और इसका जो उत्पादन है वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की थी उनके पास हमने जाकर इसका फील्ड ट्रायल भी किया था और हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी थी। आप हमारी पिछली वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, पिछले साल की वीडियो में। तो बहुत ही शानदार ये वैरायटी है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को पिछले वर्ष हमें मिला था। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें अन्य वैरायटियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है और कीटों के प्रति भी काफ़ी सहनशील वैरायटी है। तो अभी 2023 में काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, आप देख सकते हैं। हमने लगभग 2 से 2.5 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर में इसकी अभी बुवाई कर रखी है। कंडीशन आप देख सकते हैं, आज ये वैरायटी 28 दिन की हो चुकी है। आज ये वीडियो मैं 30 जुलाई को शूट कर रहा हूँ है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी अभी ग्रोथ चल रही है। इसमें हमने हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया है, एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी हमने इसमें पहले इंसेक्टिसाइड का कर दिया है जो कि हमने बायर के सोलोमन का किया है, जिसमें बीटा सल्फ्यूरिन प्लस इमीडा क्लोरोपेट पाया जाता है। तो ये अभी हमने इसमें कार्य किए हैं। इसी के साथ में हमने बुवाई के समय इसमें डीएपी का इस्तेमाल किया था जो कि हमने 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें हमने डीएपी का इस्तेमाल बुवाई के साथ ही किया था। बाकी यूरिया और अन्य हमने ना इसमें टोनिक डाला है ना कुछ, ऊपर से फोलियर स्प्रे के माध्यम से एनपीके वगैरह कुछ दिए हैं। तो आप सोयाबीन की कंडीशन देख सकते हैं, आज 28 दिन में आप देख सकते हैं ना हमें इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है। इल्लियों की हमने स्प्रे कर दिया है तो अभी काफ़ी कंट्रोल में चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। रिंगकटर वगैरह, वाइट फ्लाई, तना मक्खी, कुछ भी हमें अभी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। ग्रोथ बहुत ही शानदार चल रही है और आप देख सकते हैं अगर हमने इसमें जो कतार से कतार की दूरी है वो 14 इंच की रखी है और सीड रेट भी हमने इसका काफ़ी कम लिया है। लगभग 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसका सीड रेट लिया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सोयाबीन की वैरायटी अभी ग्रोथ कर रही है जो कि 2022 में काफ़ी लोकप्रिय रही थी, काफ़ी इसका हमें उत्पादन देखने को मिला था और अब 2023 में भी हमें इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि हमें इसका प्रोडक्शन किस हिसाब से मिलता है। इसकी आगे हम हर स्टेज के हिसाब से आपको वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम बात करें इसके कंपैरिजन की, तो आप इसका कंपैरिजन 1135 जो आरबीएसएम 1135 वैरायटी है उससे कर सकते हैं, उसी की तरह ये ब्रांचेस निकालती हैं। तो ये आरबीएसएम 1135 की ही टक्कर की वैरायटी है जो कि आरबीएसएम 1135 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर 2023 में हो रही है। बहुत से किसान भाइयों ने 1135 को लगाया है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में 1135 सोयाबीन की जो है खेती हो रही है। तो ये भी 1135 की ही टक्कर की वैरायटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। लेट वैरायटियों में ही ये आती है, ये भी 100 से 110 या 115 दिन में पककर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी इसकी कंडीशन चल रही है। तो वीडियो आपको कैसे लगी, सोयाबीन की फसल आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।